करेंगे आप, हर बार एनर्जी बढ़ रही होगी तो रोकने के लिए रिपल्सिव पोटेंशियल भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कट ऑफ अलग अलग होने का क्या मतलब? मतलब है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट है ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, करंट कॉमन है, वॉट एवर बी द फ्रीक्वेंसी, करंट का बिना वॉट एवर बी द फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, कट ऑफ बदल रहा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। कट ऑफ कॉमन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है। सैचुरेशन अलग अलग है, हर बार करंट बदल जा रही है, हर बार करंट बदल जा रही है मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है, सीधे सीधे तो मिल रहा है आपको। ठीक है, आइए, ये इन्फेरेंस नंबर टू था। इन्फेरेंस नंबर थ्री, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां हिट कराई गई, न्यून फ्रीक्वेंसी की, ध्यान से सुनिए, जैसे ही न्यून फ्रीक्वेंसी की लाइट आई फट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। हम जानना चाहते थे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हमने यहां से पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई करना शुरू किया, मतलब इसको मोर एंड मोर पॉजिटिव बनाते गए, इसको मोर एंड मोर नेगेटिव बनाते गए। ऐसा तब तक किया जब तक कि मिलीमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जब मिलीमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया तो हमने वोल्टेज रीड कर ली कितना है, मैं चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बता देगा? क्या वो बता नहीं देगा कि न्यून फ्रीक्वेंसी पर निकले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? क्योंकि अगर वी नॉट से उनको रोक ले रहे हैं आप तो ई वी नॉट हो जाएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप लिख चुके हैं एनर्जी कितनी होती है, ई वी नॉट ही तो होती है। एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना वोल्टेज आप लगाएंगे, जो वोल्टेज लगाएंगे उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यू वी इज द एनर्जी। आपने फ्रीक्वेंसी न्यू टू की, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, फिर आपको पता है आपको और कट ऑफ बनाना पढ़ाना पड़ा होगा, और कट ऑफ जब पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रॉन रुके होंगे तो उस केस में आपको क्या मिल गया, के टू, और फ्रीक्वेंसी आपने और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई और हाई नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा, इके थ्री। यानी हम क्या ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री में ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी मेटलिक प्लेट पर अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की लाइट को गिरने देते तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी लीनियरली बढ़ती। मींस ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री है, जब किसी मेटलिक प्लेट पे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी की लाइट को गिरने दिया गया और करेस्पॉन्डिंग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को ग्राफिकली देखा गया तो जो इनका ग्राफ मिला वो स्पेस में मिला। स्पेस का मतलब है वो कहीं भी एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा था। ये ग्राफ सिर्फ इतना बता रहा था कि अगर हम न्यून फ्रीक्वेंसी लेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा के न्यू टू कर लेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतने से बढ़ जाएगी, यानी इतनी हो जाएगी। अगर हम न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी का प्रोटॉन कर लेंगे तो उस केस में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी और बढ़ जाएगी। यानी ये ग्राफ ऐसे बता रहा था। अगर इसको वर्चुअली हम बैकवर्ड ट्रेस कर लेते खुद से तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट कर रहा है एट अ पॉइंट। फ्रीक्वेंसी एक्सिस को इसने जहां कट किया इसको न्यू नॉट कहा गया, नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेन करना क्या मतलब है, इसने काइनेटिक एनर्जी एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया उसको माइनस डब्ल्यू कहा गया, वेयर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क फंक्शन। चलिए देखते हैं न्यू नॉट क्या है। जरा न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पर आइए तो, न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव शो कर रहा है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं। और न्यू नॉट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को चेक कीजिए तो उस पर जब आप देखेंगे तो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं इजेक्टेड एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। यानी न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जिस पर इलेक्ट्रॉनों का जस्ट इजेक्शन होता है। अगर न्यू नॉट से कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को सप्लाइड एनर्जी उनकी बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी, तब तो निगेटिव दिखा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। और न्यू नॉट से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की लाइट को आने देंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। क्या अगला इन्फेरेंस नहीं तैयार हो गया? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी और वो बाहर नहीं आएगा। नाउ जब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जब ये इंटरसेक्ट किया, हमने इसको माइनस डब्ल्यू कहा। अगर ओरिजिन से नीचे ये वाला पार्ट हम मेजर कर लेते तो एक्चुअली में ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है विद इन द मेटलिक सरफेस। इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की जाने वाली वो मिनिमम एनर्जी जिसको लेके वो जस्ट इजेक्ट आउट होगा या थ्रू विच इट इज बाउंड इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर का टर्म है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी से बाउंड होते हैं इन एन एटम दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। दूसरे तरीके से कह लीजिए फिजिक्स में द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी तो कम से कम चाहिए, अगर इससे कम एनर्जी मिली तो उनका इजेक्शन नहीं होगा। यानी आपको एक टर्म मिला यहाँ पे कॉल्ड द वर्क फंक्शन, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को सप्लाई की जाने वाली वो मिनिमम एनर्जी है जो जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड है। सो इलेक्ट्रॉन को अगर डब्ल्यू एनर्जी दी गई तो वो जस्ट इजेक्ट आउट होंगे, ठीक है, उनके पास बाहर आने पर कोई एडिशनल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये कहा गया कि अगर हमें ये पता चल गया कि ई के वर्सेस न्यू का ग्राफ ये है, तो क्या ये वाई स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये अगर इसको हम एक्स एक्सिस एज अ वन वेरिएबल ट्रीट करते जो कि फ्रीक्वेंसी है, इसको वाई एक्सिस ट्रीट करते जो कि काइनेटिक एनर्जी एक्सिस है, और ग्राफ का स्लोप हम निकाल लेते, चलिए ए कह रहे हैं बाद में डिस्कस होगा कि क्या है डेलीके अपॉन डेल्यू, क्या स्लोप नहीं निकल जाएगा क्या ग्राफ का, से द स्लोप इज ए, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू mx + c होता है ना इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो अगर y इज इक्वल टू mx + c होता है तो यहां हमारे पास अगर हम y इज इक्वल टू mx + c लिख देते तो y एक्सिस पर हमारे पास क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, m की जगह स्लोप है जो हम कह रहे हैं डिस्कस करेंगे, x की जगह हमारे पास फ्रीक्वेंसी है न्यू, और c की जगह क्या माइनस डब्ल्यू नहीं है, दैट इज द वर्क फंक्शन माइनस डब्ल्यू। और क्या हमारे पास एक मैथमेटिकल कंडीशन नहीं है कि जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट होता है तो एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो जीरो होती है, ग्रेटर देन न्यू नॉट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगी इलेक्ट्रॉन के पास, लेस देन न्यू नॉट होंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां निकला ही नहीं है, और इक्वल टू न्यू नॉट होंगे तो जस्ट इजेक्ट आउट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ एक मैथमेटिकल कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज दैट कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। चलिए इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुट कर देते तो ये जीरो हो जाता, ये न्यू नॉट हो जाता, ये डब्ल्यू हो जाता, यहां से आपको क्या मिल जा रहा है, क्या आपको वर्क फंक्शन का रिलेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नहीं पता चल जा रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराएगी और ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए? तो आपस में इंटररिलेट तो होना चाहिए ना। यानी आपको पता चल गया कि वर्क फंक्शन इज रिलेटेड विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज द ए न्यू नॉट where is the slope of the graph, discuss किया जाएगा कि slope of the graph क्या है और क्या निकल कर वो आएगा। अगर इसको वापस लाके यहाँ put कर देते तो आपको क्या मिल रहा है, ejected electron की kinetic energy is equal to a new minus a new not, a common ले लीजिए that is new minus new not, clear है। जब एक photon new frequency लेके आता है तो उसमें से new not तो वो खर्च कर लेता है इजेक्ट आउट होने में, जो बचता है a times new minus न्यू नॉट उसको लेके वो वहां से मूव करता है। अगर सफिशियंट होगा ये तो खुद से चलेगा, नहीं तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस लगा के ढकेलना पड़ेगा उसको। सो हमें फाइनल करंट मिलेगी, यानी आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया, EK इज इक्वल टू ए न्यू माइनस न्यू नॉट, यहां तक क्लियर है? ये थर्ड ऑब्जर्वेशन रहा होगा, ठीक है। आइए फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम किसी मेटल प्लेट पर लाइट को गिराते, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये स्टेटमेंट है, किसी मेटल पर हमने लाइट को गिरने दिया और मिलीमीटर में डिफ्लेक्शन चेक कर रहे थे तो कोई टाइम लैग नहीं आएगा, मतलब अगर लाइट ने सफिशियंट एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को तो तुरंत देगा और आपको करंट मिलेगी। ये नहीं कि सोलर पैनल प्लेट हमने धूप में रखी है गर्म होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, देन वो अपनी अंगड़ाई तोड़ेंगे चलना चाहिए और तब आपको करंट मिलेगी। नो, या तो आपको करंट मिलेगी या नहीं मिलेगी।
आफ्टर सम टाइम का कोई रूल नहीं है कि थोड़ी देर बाद मिलेगी, यानी कि लाइट कैपेबल है टू गिव द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत आपको वहां मिलेगा डिस्प्ले यानी करंट मिलेगी, और अगर नहीं तो थोड़ी देर बाद का कोई चक्कर नहीं है। कहा गया देयर मे बी या देयर मस्ट बी नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंटिंग ऑफ लाइट टू द इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैग नहीं है, सीधी बात है, सफिशियंट एनर्जी डिलीवर हुई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर नहीं डिलीवर हुई तो घंटों आप लगा दीजिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनर्जी एड नहीं होनी है। ठीक है, ये तो रूल में चला गया, यानी कि देयर इज नो टाइम लैग, मतलब ये नहीं कि अभी तो थोड़ा इंटेंसिटी का मैं रख दो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो देगा। सोलर पैनल के लिए गर्म होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब है अगर उसको देना है करंट तो तुरंत देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। लास्ट इन्फेरेंस में आइए, लास्ट इन्फेरेंस ये है, अगर मेटल प्लेट में बदलना शुरू करें तो स्ट्रेंसियम सीजियम कैल्सियम आयरन ठीक है कॉपर एल्यूमिनियम तो क्या होगा, क्या हर मेटलिक प्लेट या नॉन मेटलिक प्लेट में इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग है विद एटम क्या वो अलग अलग नहीं होता है? अलग अलग होता है ना, सभी मेटल में इलेक्ट्रॉन इक्वली तो बाउंड है नहीं। तो लास्ट इन्फेरेंस में ये बताया गया कि अगर हम ये मेटलिक प्लेट बदलना शुरू करते और हर बार एक फिक्स कर लेते न्यू वन फ्रीक्वेंसी, तो देखते कि ई के वन लेके एनर्जी निकल गया, अगर हम एक दूसरे के प्लेट के लिए वही एनर्जी रिपीट करते वही फ्रीक्वेंसी और ई के का ग्राफ खींचते तो देखते कि मेटल प्लेट वन का ग्राफ कुछ ऐसे आया। ठीक है, ये मेटल प्लेट वन का आया, जब मेटल प्लेट टू का खींचा गया तो एग्जैक्टली पैरेलल आया, एग्जैक्टली पैरेलल आने में भी रूल है, और जब तीसरे मेटल के लिए खींचे तो वो भी एग्जैक्टली पैरेलल आया, मतलब सभी मेटल्स के लिए ये चीज तो कॉमन है कि आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ही इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगी। पैरेलल होने का मतलब हर बार हर मेटल प्लेट के लिए ईके वर्सेस न्यू का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है जिसको हमने ए कह रखा है वो हर बार कोई भी मेटल प्लेट लीजिए हर बार अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, यानी कि ग्राफ जो है इस ग्राफ का स्लोप जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि कोई भी मेटल प्लेट लिए कोई भी फ्रीक्वेंसी लिए जब ईके वर्सेस न्यू का ग्राफ खींचे तो हर बार ईके वर्सेस न्यू के ग्राफ में स्लोप हमें कांस्टेंट मिला। ठीक है, यानी कि स्लोप ए इज यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसको हमें डिस्कस करना होगा आगे चल के क्या है। ठीक है, दूसरा जब हम प्लेट वन के लिए देख रहे हैं तो थ्रेशोल्ड इज दिस और एनर्जी पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन जिससे बाउंड है इज दिस, जब हम प्लेट टू के लिए देख रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस और जिस एनर्जी से बाउंड है इस देश, जब हम मेटल प्लेट थ्री के लिए देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड इज दिस और एसोसिएट एनर्जी इज दिस, मींस अलग अलग मेटलिक प्लेट के लिए थ्रेशोल्ड की वैल्यू अलग अलग होती है और उनकी बाइंडिंग एनर्जी विद द एटम अलग अलग आती है। तो क्या हम यहां से इन्फेरेंस नहीं ले सकते हैं कि उस मेटलिक प्लेट का इस्तेमाल फोटो सेंसिटिव मटेरियल की तरह अच्छी तरीके से हो पाएगा जिसका वर्क फंक्शन कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, इसमें सबसे कम एनर्जी लेके किसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड है, वन में कि टू में कि थ्री में, ऑब्वियसली सबसे कम यही है और सबसे कम यही तो इसकी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड भी तो काफी कम है, यानी कि मेटल प्लेट वन एक अच्छा फोटो सेंसिटिव मटेरियल बनने के लिए तैयार है इन कंपैरिजन टू टू एंड थ्री। यानी इन्फेरेंस से पता चला कि डिफरेंट मेटलिक प्लेट्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, हमें उन मेटलिक प्लेट्स में से उस मेटलिक प्लेट को एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी मीन्स वर्क फंक्शन लीस्ट हो, so that हमें sufficient current मिले। अब इतने inferences मिले हैं, इसमें से पांच को accept किया गया as the laws of photoelectric effect। फिलहाल हमको तो सारे explain करने हैं ना। अब next lecture में हम आपको explain करके दिखाएंगे कि how all these observations can be explained on the basis of wave nature of light and the particle nature of light। और हम लोग देखेंगे कि wave nature explain एक भी observation में explain नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो हम लोगों को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसमें हम लाइट को एक मासलेस पार्टिकल मान के चलेंगे अंडर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन का ऑब्जर्वेशन है मेजरमेंट का, देखेंगे एक एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करवा दिए और सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करवाए और अच्छे से मॉडिफाई करवा दिए, बढ़िया रूल हम लोग को मिल गया, सो दैट हम लोग फोटो सेंसिटिव प्लेट दैट इज फोटो सेल
सोलर पैनल प्लेट और बहुत से गैजेट्स आज बनाने में सक्सेस हुए जो स्पेस में अवेलेबल लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन में करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलिए।